नमस्कार। ट्रैप्स इन चेस या फिर ट्रैप्स एंड ट्रिक्स इन चेस के इस भाग में हम लोग देखने वाले हैं सिसिलियन ड्रैगन के बारे में, जिसमें कि एक वेरिएशन आता है जिसका नाम है 11 फिश वेरिएशन, राइट। तो उसमें क्या होता है और उसमें कैसे आप एक बेसिक ट्रैप के भरोसे बहुत अच्छा पोजिशन ला सकते हो कभी कभी, बिकॉज मैंने जब सर्च किया था तो अराउंड 1000 गेम्स अवेलेबल थे मेगन डेटाबेस में चेस बेस के, जहाँ पे लोगों ने ये खेला हुआ है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने खेला है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जो हाईएस्ट प्लेयर मुझे मिले थे वो अलेक्जेंडर मोटिलेव थे, जिन्होंने ये दुबई ओपन में खेला था। लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो वाइट से जो है वो 11 फिश से ये स्टार्ट हुआ था 1939 के आसपास। फिर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जैसे कि नजमुद्दीनो, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे एक वक्त, और इवन पेट्रोशियल ने भी ये वाइट से यूज किया था। तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि सिसिलियन के ड्रैगन वेरिएशन में ये जो पार्ट है उसमें कैसे आप ट्रिक कर सकते हो अपोनेंट को, राइट। बहुत बेसिक्स है बट मजा आने वाला है आपको। तो हम लोग क्विकली चलते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसमें हमको उसमें क्या और ड्रॉबैक्स हैं, और मैं उसमें एक अपडेट भी बताने वाला हूँ जो कि खुद मैंने ब्लैक से खेला है कुछ लोगों के अगेंस्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। e4 c5 knight to f3 d6 d4 c4 knight to d4 knight f6 knight c3, ये सिसिलियन का बहुत ही स्टार्टिंग सेटअप है जहाँ से आप बहुत सारे वेरिएशंस में जा सकते हो। g6 खेला अगर अपोनेंट ने यहाँ पे, जो कि सिसिलियन ड्रैगन वेरिएशन है, उसमें आप f4 के लिए जा सकते हो, जो कि जिसको कि हम लोग 11 फिश वेरिएशन बोलते हैं, क्योंकि ग्रीगोरी 11 फिश नाम से एक प्लेयर थे 1939 में, पहली बार उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था खेलना सिसिलियन ड्रैगन के अगेंस्ट। और यहाँ पर एक डायरेक्ट मूव है नेक्स्ट उनका जो मूव है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का होता है कि g6 अगर आपने खेला है तो दैट मीन्स कि आप bg7 खेलने वाले हो, राइट, और इसी मूव के लिए वो खेला होता है। तो उसी को ही ब्रेक करने के लिए ये एक्चुअली खेलते हैं, और आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है वाइल प्लेइंग bg7। सो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है कि अगर आपने bg7 खेला, विच इज आई थिंक डुबियस मूव, लेकिन उसमें आगे भी कुछ तो है खेलने लायक, उसको हम इम्प्रूव भी वर्जन उसका देखने आए। सो यहाँ पे आप e5 खेल सकते हो, और यहीं से स्टार्ट होता है वो जो ट्रैप है, क्योंकि e5 में जनरली ब्लैक को लगता है कि अब e5 को मैं टारगेट कर सकता हूँ, तो आप या तो पॉन्टेक्स मार मार के खेल सकते हो, या फिर डायरेक्टली बहुत लोग खेलते हैं knight g4 के साथ। और ये जो सिस्टम है knight g4 में, सभी लोग को यही लगता है कि नेक्स्ट मूव जो है वो e5 पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप सिंपली d कट e5 बिशप अटैक कर रहा है, नाइट अटैक कर रहा है, सो इसको आपको मारना ही पड़ेगा, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ सभी लोग जाते हैं। हालांकि यहाँ पे एक हिडन मूव है वाइट के पास, और जिसके कारण वो फंस सकता है, और ये पोजीशन कम्प्लीटली माइनस लग रही है मुझे ब्लैक के लिए, जिसमें कि आप सिंपली bishop b5 खेल सकते हो, जिसमें जो ज्यादातर रिएक्शन होता है अमेच्योर प्लेयर्स के लिए या फिर बिगिनर्स के लिए, दैट इज टू प्ले bd7। लेकिन bd7 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली आप पीस अप हो सकते हैं बाय जस्ट प्लेइंग qcg4, राइट। और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे गेम्स हुए हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आए हैं इसमें ब्लैक को, और qcg4 के बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। अगर हम थोड़ा आगे भी देखें तो कैसल, bishop cut d7, d cut e5, f into e5, knight d7, और bishop f4 के बाद आप सिंपली लॉन्ग कैसल कर सकते हो, ये बहुत विनिंग है। लेकिन bishop b5 में एक और मूव है, और ऑफकोर्स आप knight c6 नहीं जा सकते हो, क्योंकि knight into c6, b cut c6, और bishop cut c6 के बाद डबल अटैक है यहाँ पे। लेकिन bishop b5 चेक के बाद यहाँ पर एक दिक्कत है ब्लैक को और भी, कि अगर आप king f8 भी जाते हो, पहले तो आपका पोजीशन किंग का खराब हो गया, जिसमें आप कैसलिंग नहीं कर सकते हो आगे, और जनरली सिसिलियन ड्रैगन में किंग जो है वो g8 पे या कभी कभी h8 पे भी सेफ होता है, बट नॉट ऑन f8। सो यहाँ पर ये दिक्कत है कि इमिडिएटली आपको चलो कुछ अभी नहीं मिल रहा है, बिकॉज क्वीन जो नाइट है वो प्रोटेक्टेड है बिशप से, लेकिन फिर भी इसमें आप h3 जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जैसे ही आप knight h6 जाओगे तो व्हाइट के पास दो ऑप्शन है, एक तो bishop e3 आ सकता है वो, या फिर दूसरा ये कर सकता है वो कि वो g4 चला जाए, क्योंकि g4 में भी आप d कट e5 नहीं मार सकते हो इसमें, क्योंकि d कट e5 में दिक्कत ये है कि आप देख सकते हैं कि क्वीन की रो में जो क्वीन इधर d8 पे पड़ा हुआ है वो अनसपोर्टेड है, और यहाँ पे knight e6 बहुत ही ईजी मूव आ रहा है, जिसमें आप f into e6 मारो या bishop into e6, दोनों में ही प्रॉब्लम आने वाले हैं इसमें, क्योंकि f into e6 में भी आप queen into d8 सिंपली मार सकते हो। सो ये भी मुझे लगता है विनिंग ये। हालांकि जो गेम हुआ था 11 फिश का, उसमें उन्होंने knight h6 को bishop e3 खेला था, और ये पोजीशन भी मुझे प्लस ही लगती है यहाँ पे। हालांकि खेलना चाहिए नाइट ब्लैक को bishop e3 के बाद f5 खेलना चाहिए नाइट, लेकिन उस गेम में जो अपोनेंट थे उन्होंने knight c6 खेला था 11 फिश के अगेंस्ट,
और वो पोजीशन भी बहुत ही अच्छी रही थी ब्लैक के लिए, व्हाइट के लिए सॉरी। लेकिन नाइट एफ5 के बाद भी अगर हम देखें तो सिंपली आप इस पोजीशन को भी आराम से खेल सकते हो, नाइट इनटू एफ5, बिशप इनटू एफ5, एंड मे बी यहाँ पे जो है आप क्वीन f3 करके भी खेल सकते हो, लॉन्ग कैसल हो रही है, और ये कम्प्लीटली बेटर पोजिशन है ऑलमोस्ट। अगर हम अच्छे लेवल की बात करें तो ये विनिंग पोजिशन ही है, क्योंकि ओपनिंग के 10 मूव के अंदर अगर आपको इतनी अच्छी पोजिशन आ जाती है तो डेफिनेटली आपको वो कन्वर्ट करते आना चाहिए, राइट। सो मुझे लगता है 11 फिश में ये जो गेम था ये बहुत ही बढ़िया था, खासकर जो नाइट g4 वाला आइडिया है उसमें बहुत लोग फंसते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें एक इम्प्रूव तरीका है जो मैं कभी कभी ट्राई करता हूं ब्लैक से, क्योंकि आप जैसे e5 खेलते हो यहाँ पे 7th मूव पे, तो नाइट g4 जाने के अलावा यहाँ पे नाइट h5 भी एक ऑप्शन है जो एक्चुअली इतना इतना बुरा नहीं है जितना नाइट g4 में हो रहा है, राइट। और यहाँ पे ना एक रिवर्स ट्रैप आता है बहुत बार, कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं एक ट्रैप सेट कर रहा हूँ और ओपोनेंट आपसे भी कुछ एडवांस होता है, उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया होता है उसमें उसको डील करने का। सो यहाँ पर बहुत लोग मिस कर जाते हैं, मैं ब्लिट्स में बहुत बार खेलता हूँ ये, क्योंकि नाइट h5 को सबको लगता है कि नाइट को कोई स्पेस ही नहीं है यहाँ पे, और आप सिंपली g4 खेल लेते हो। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज g4 में अगर आपको लग रहा होगा कि नाइट ट्रैप हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। जहां पे आपकी पोजीशन कम्प्लीटली बेटर थी वहां पे सडनली आप g4 खेल के उसमें फंस सकते हैं, और यहाँ पे एक मूव आ सकती है विच इज नाइट इंटू f4, और ये मैं खुद खेल चुका हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। तो बिशप इंटू f4 आप मारोगे अगर तो पॉन टेक्स पॉन आ रहा है, और इस बार किंग जो है वो f8 पे नहीं है, तो नाइट e6 जैसे चेक नहीं आ रहे, और आपने जो नाइट दिया था वो इमिडिएटली आफ्टर फ्यू मूव्स आपको वापस मिलने वाला है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप शिकार करने जाते हो और आप खुद ही शिकार हो जाते हो, राइट। तो आपको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है फर्स्ट वाला जो ट्रैप था नाइट g4, क्वीन इनटू g4, बिशप b5, क्वीन g4, वो बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन नाइट इनटू f4 और डीकर d5 बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इसमें कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और पसंद आया होगा आपको। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ ट्रैप्स हैं जो जिनको मैं डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल ट्राई कि उस पर भी मैं एक वीडियो एनालिसिस के साथ बनाऊँ। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय, थैंक यू।